गुड मॉर्निंग क्लास, क्लास सिक्स चैप्टर नंबर 13 क्लॉजेस है ना, इंग्लिश टू चैप्टर नंबर 13 क्लॉजेस। तो इन प्रीवियस क्लास वी लर्न अबाउट फ्रेजेज एंड सेंटेंस, ओके। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सेंटेंस। सेंटेंस मीनिंग ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच गिव कंप्लीट सेंस, है ना। सेंटेंस की डेफिनेशन में हमने क्या सीखा कि एक ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स, यानी वर्ड्स का एक ग्रुप जो हमें कंप्लीट सेंटेंस देता है। जैसे मैंने कहा दिस इज माय बुक, ये कंप्लीट सेंस है, आप सबको पता चल रहा है कि ये मेरी बुक है, ओके। नाउ वी डिस्कस अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेजेस, ओके। एंड फ्रेजेस वी डिस्कस इन अ प्रीवियस क्लास, जो आई थिंक यू अंडरस्टैंड वेरी वेल, ओके। फ्रेजेस ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, और सेंटेंस और फ्रेजेस के अंदर ये दोनों चीज कॉमन है। सेंटेंस में भी क्या था, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, और फ्रेजेस में भी क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। लेकिन अब डिफरेंस कहाँ है दोनों में, डिफरेंस दोनों में क्या फर्क है, दोनों में क्या अलग अलग है, कि जो सेंटेंस के अंदर ग्रुप ऑफ वर्ड्स है वो हमें क्या करता है, कंप्लीट सेंस दे रहा है, क्लियर। लेकिन जो फ्रेज के अंदर ग्रुप ऑफ वर्ड है वो कम सेंस यानी सम सेंस दे रहा है, क्लियर। कंप्लीट मीनिंग नहीं मिल रहा है, क्लियर। अब टूडेज अवर टॉपिक इज द क्लॉजेज। तो अकॉर्डिंग टू क्लॉजेज कंटेन सब्जेक्ट एंड वर्ब, यानी ये फ्रेज का थोड़ा सा बड़ा पार्ट है, पार्ट तो सेंटेंस का ही है। इसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब तो है, लेकिन ये भी हमें कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है। कैसे, अब जो हमारे क्लॉजेस की जो डेफिनेशन निकल रही है वो है कि क्लॉजेस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड दैट कंटेन सब्जेक्ट एंड वर्ब बट डजंट कन्वे अ कंप्लीट सेंस, यानी जो क्लॉजेज है उसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब तो होगा लेकिन सेंस है वो कंप्लीट नहीं आएगा, किसके जैसे, सेंटेंस के जैसे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक बोला आफ्टर ही प्लेड द मैच, है ना, तो ही क्या हो गया सब्जेक्ट और प्लेड क्या हो गया वर्ब, और ये दोनों चीज हो गई तो ये हमारा एग्जाम्पल क्या बन गया, क्लॉजेस। लेकिन हमें आफ्टर से पहले का जो सेंटेंस है वी डोंट नो, यानी ये हमें पता नहीं है, तो ये क्या है, क्लॉजेस। हमें क्या हुआ है, हाफ सेंस, आधा अधूरा इंफॉर्मेशन, क्लियर। तो हमें ये चीज देखनी है जब भी हम क्लॉजेस को पढ़ेंगे कि क्लॉजेस और सेंटेंस और फ्रेजेस, इन तीनों में यदि हमें डिफरेंस पता होगा, तीनों में ही अंतर पता होगा, तभी हम कर पाएंगे। और सबसे पहले क्लॉजेस के अंदर हम ये देखते हैं कि इसके अंदर भी टू पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं, टू टाइप्स कह सकते हैं या टू पार्ट्स कह सकते हैं, कि एक होता है डिपेंडेंट और दूसरा होता है इनडिपेंडेंट। जो इनडिपेंडेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, मेन। जो इनडिपेंडेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, मेन क्लॉजेस। कौन से क्लॉजेस, मेन क्लॉजेस। इट मींस दैट कैन स्टैंड अलोन, यानी इनके जितना ये क्लॉजेस है उससे हमारा काफी हद तक मीनिंग क्लियर हो जाता है, किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं होता है। देन सेकंड है सबोर्डिनेट, यानी डिपेंड, यानी ये जो क्लॉजेस है वो किसी पे डिपेंड रहता है। जैसे वी लेफ्ट द स्टेडियम, क्लियर। जैसे मैंने सेंटेंस रिपीट किया वी लेफ्ट द स्टेडियम, ये क्या है, मेन क्लॉजेस, यानी ये किसी पे डिपेंड नहीं करता है। लेकिन मैं यदि ये बोला बिफोर इट स्टार्टेड टू रेन, ये क्या है, ये डिपेंड है किस पे, प्रीवियस वाले पे। तो आज हमने जो इस चैप्टर में लर्न किया है वो क्या था, क्लॉजेस। तो क्लॉजेस को लर्न करने के लिए हमें फ्रेजेस और सेंटेंस का मीनिंग भी क्लियर होना चाहिए। थैंक यू।